परमेश्वर के धन्यवाद। आज सुबह के समय एक और बार परमेश्वर के संगति में मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में अति अधिक देने के कारण आज भी परमेश्वर हमें जीवितों के मध्य स्थान देकर रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिन हम परमेश्वर के वचनों से कलीसिया के बारे में हम लोग देख रहे थे। कलीसिया को एक नामीकरण के रूप में क्या बोलते हैं, खेत के बारे में एक उदाहरण के रूप नामीकरण किया गया है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो पिछले हफ्ते मैं बोल रहा था इसराइलियों को एक क्या बोलते हैं द्राक्षलता के रूप में परमेश्वर बता रहे हैं। इसराइलियों का द्राक्षलता का वो एक उदाहरण को परमेश्वर बताते हुए हम लोग देखते हैं। एशिया के किताब 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि परमेश्वर द्राक्षलताओं को बनाए, सब कुछ की देखभाल किया, मगर उसमें फल कैसी वाली आई, वर्थलेस वाली, माने खराब, जो कि उपयोग शून्य। ऐसे फल आने का अनुभव हम लोग देख सकते हैं। अब उसी 5वां अध्याय उसकी दूसरी वचन में लिखा गया, एक और बार देखते हैं एशिया के किताब 5वां अध्याय उसकी दूसरी वचन, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखलत के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाखलत की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखी ही लगी। वो किसकी आशा की? परमेश्वर वहां बता रहे हैं कि ही इज एक्सपेक्टिंग फॉर ए गुड फ्रूट, अच्छे फल के लिए परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, कलीसिया परमेश्वर की फार्म है, चर्च इज ए फार्म एंड गॉड इज एक्सपेक्टिंग फॉर ए गुड फ्रूट। परमेश्वर अच्छे फल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कलीसिया के सदस्य होने के नाते वी हैव टू क्लियर द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को हम खेत बने हुए हम क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। इसलिए एक चीज़ हमें चाहिए, मनुष्य की हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं उसको नियुक्त रीति से पूरा करना जरूरी है। इसलिए यहां बताते हैं He is accepting to yield good grapes, अच्छे द्राक्ष वो को अपने अंदर पाने के लिए परमेश्वर चाह रहे हैं। इसलिए ही परमेश्वर सब कुछ किए, क्या किए, पानी के लिए पानी दिए और अच्छी जगह पर उसको रखवाया, सब कुछ अच्छा करके दिए ताकि उसमें क्या मिल सके, पूर्णता, अच्छी फल। मगर इसराइली लोग क्या नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। सो एक चीज हमें मालूम, व्हाट एवर द वर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग अस टू एक्सपेक्ट, जो परमेश्वर की वचन हमें एक्सपेक्ट करवाता है उस एक्सपेक्टेशन को हमें पूरा करना जरूरी है। इट शुड बी ए मस्ट डील, वो एक जरूरतमंद हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर के वचन से ही हमें एक्सपेक्ट करना जरूरी है, परमेश्वर से ही हमें एक्सपेक्ट करना जरूरी है। जो परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे अंदर पूर्णता लाना जरूरी है। अब उसकी 7वां वचन में बताया गया, देखो देखो ना, उस द्राक्षलता का होस्ट कौन है, परमेश्वर खुद है, सेनाओं का परमेश्वर खुद है। किसके लिए? इसराइलियों के लिए। वो यहां पे इसराइलियों का चिन्ह के रीति से बताया गया और इसराइलियों का माने एशिया के जमाने में इसराइल दो भाग में स्प्लिट आउट हो गए, एक इसराइल दूसरा यूदा। अब यूदा के बारे में क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का प्री प्लांटेशन है, बिलाउड प्लांटेशंस, क्योंकि परमेश्वर इसराइल और यूदा को एक ही समान प्यार करते थे। मगर क्या हुआ, उनके अंदर न्यायता को भूलकर, जस्टिस वो लोग छोड़कर अन्याय करना शुरू किए। नहीं तो
जो परमेश्वर चाहते थे, जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करते थे, उस एक्सपेक्टेशन को वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, दूसरे चीजों को वो लोग एक्सपेक्ट करना शुरू किए, परमेश्वर को छोड़ के बाकी सब चीजों को वो लोग एक्सपेक्टेशन में परिणय करना शुरू किए। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको फिर से दोहरा के बता रहे हैं, डू जस्टिस, बी राइचियस, धार्मिक बनो, न्याय करो। अगर विश्वासी कलीसिया न्याय नहीं करेगा, अगर कलीसिया धार्मिकता में नहीं रहेगा, तो विजातियों का परिस्थिति क्या? इफ क्रिश्चियंस, इफ गॉडली पीपल आर नॉट इन जस्टिस विथ इन जस्टिस, अगर न्याय नहीं देते तो अन्य लोगों का क्या परिस्थिति? इफ गॉडली पीपल आर नॉट राइचियस, अगर धार्मिक लोग कलीसिया में है ही नहीं, तो विजातियों का परिस्थिति क्या है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, अगर ज्योति जगत में है ही नहीं तो क्या होगा? कंप्लीट डार्कनेस। परमेश्वर हमें द्राक्षलता बना के रखे क्यों? ताकि वी शुड डिलीवर जस्टिस, न्याय करे, दुनिया भर में अन्याय होने दे। इट डजंट मैटर फॉर ए क्रिश्चियन, एक विश्वासी को वो कुछ मैटर नहीं करता, दुनिया में अन्याय बढ़ती जाए, ही डज नॉट केयर, मगर वो न्याय करेगा। ही शुड बी रेडी टू डू जस्टिस। हेलो, एक ट्रांसलेशन में क्या बताया जाता ना, परमेश्वर चाहते हैं न्याय का खेत, ए क्रॉप ऑफ जस्टिस। वो ट्रांसलेशन मुझे बहुत पसंद लगा, ऐसे लगा, ही लुक फॉर ए क्रॉप ऑफ जस्टिस, न्याय का एक खेती को परमेश्वर चाह रहे हैं। अगर कलीसिया एक खेत है, उस खेत के अंदर न्याय, देर शुड बी जस्टिस विद इन द, इफ देर इज ए क्रॉप अल्टीमेटली देर इज अ फ्रूट। अगर एक खेत में एक फल लगाया गया है, फ्रूट आएगा, इट शुड बी थ्रू जस्टिस। उसके बाद बताया क्या कहना ना, और मगर लोगों के अंदर क्या नहीं है, अन्याय दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसलेशन मुझे लग रहा है MSG बोलकर एक बाइबल है, वो बाइबल का ट्रांसलेशन है, मगर कलीसिया के अंदर वो क्या देख रहे हैं, परमेश्वर, पीपल आर किलिंग ईच अदर, लोग आपस में मार रहे हैं, मर्डरिंग ईच अदर। यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने भाई को निकम्मा कहा, इफ यू कॉल योर ब्रदर फूल, वर्थलेस, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम्हें न्याय किया जाएगा, यू विल बी जज्ड। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब निकम्मा कहता है, ही वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको इंसल्ट ही नहीं कर रहा है, वो उसका कत्ल कर रहा है, मर्डर। क्योंकि एक चीज मालूम करना, परमेश्वर आपको भी यीशु मसीह के खून से खरीदा है, मुझे भी वही खून से खरीदा है, तुम्हें भी वही आत्मा दिया है, मुझे भी वही आत्मा दिया है, तुम्हें भी वो वचन दिया है, मुझे भी वो वचन है, तुम भी वो परमेश्वर के बेटे हो, मैं भी वो परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे लिए भी यीशु मरे, तुम्हारे लिए भी यीशु मरे, तो सब कुछ एक है। तो जब मैं एक ऐसा पद प्रयोग अपने मुंह से यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, माफ करना, निकम्मा बोलकर एक पद प्रयोग करने वक्त, जो अभी तू ऑपोजिट व्यक्ति में तुम हो, तुम वो सुने, वो तुम्हें स्पिरिचुअली डाउन कर सकता है। अरे हम दोनों एक ही आत्मा के सौभाग्य हैं, एक ही पापा के बेटे हैं, एक ही अभिषेक से पूर्ण है, एक ही बपतिस्मा लिया है, एक ही वचन दिया गया है, एक ही प्रोमिसेस हम दोनों के ऊपर है, मगर वो कैसे मुझे वो बात बोल पाया, जबकि वो परमेश्वर के सेवक है, जबकि वो परमेश्वर के अभिषेक है, वो कैसा वो प्रयोग को दे सका? हाउ कुड ही डिलीवर सच ए वर्ड फ्रॉम हिज माउथ? वो अगर वो व्यक्ति सोचता है ये मेरे विरुद्ध अन्याय है ना, ऐसा अगर तुम सोचे
तो मैं न्याय का हकदार बन गया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है क्या जानता, अगर तुम्हारे आंख पाप करने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है, उसी को काट के निकाल फेंक दो। एक आंख से क्या तुम अपने आत्मिक जीवन नहीं चला सकते? अगर ये हाथ क्यों उसको एम्पुटेट करके क्यों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक उदाहरण, अगर ये हाथ से बहुत चोरी करने की मन लगती है, एक काम कर दो, एक रस्सी ले लो बांध दो, बस एक महीने के लिए बांध के रख दो, एक महीने के बाद ये हाथ उठना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे साथ में हो? ये हाथ दोनों को बांध के रख दो, एक महीना तक छोड़ दो, एक महीने के बाद इस हाथ को ऐसे उठाने के लिए कितना तकलीफ होगा, क्योंकि एक महीना इसका क्या हो गया, प्रयोग शून्य। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, जहां न्याय करनी थी, जिस खेती में न्याय की खेती होनी थी, वहां पे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। एक विश्वासी अधिक अन्य भाषा बोला, एक कम बोला, उसके अंदर भेदभाव। एक बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है, उसमें भेदभाव। अरे जो बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है, उसको बोलने के लिए लायक बना। तुम परमेश्वर के लिए 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, 50 लाख दे रहे हो, जो नहीं दे पा रहा है उसको घिन रीति से मत देख। बदले में तेरे हाथ में कुछ है तो तू उसके बदले में उसको भी दे दे। देखा ना इसराइली लोग क्या खेती कर रहे, मर्डरिंग देमसेल्फ, आपस में कत्ल कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहता है, हमारी बातों से, हमारी कोई भी एटीट्यूड से दूसरों को क्या नहीं पहुंचाना है। आत्मिक जीवन में नीचापन नहीं दिखाना चाहिए, वो व्यक्ति नीचा नहीं अनुभव करना चाहिए, नहीं तो स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन, नहीं तो आत्मिक रीति से दूसरा व्यक्ति को नीचा करना, ये हो रहा था इसराइलियों के बीच में। एशिया की किताब जब लिखा गया था, तब इसराइली लोगों जो याजक थे, जो मुखिया थे, वो लोग सेपरेट, और जो साधारण लोग वो लोग सेपरेट। इसलिए ना यीशु मसीह के जमाने में भी ऐसे ही चलता था, वो लोग रास्ते पे चल के जाते थे, लोग उनको देखो नमस्कार बोलना है, वो लोग सब अच्छे अच्छे काम करें, मगर जो बिलो लाइन, पॉवर्टी लाइन में जो नीचे है, उनका हिस्सा कौन देखने वाला, कोई नहीं। इसलिए ना पर यीशु मसीह भी मंदिर पर जाते वक्त क्या देखे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मनी की एक्सप्लॉयटेशन, ऑफरिंग्स की एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, कहां, इनसाइड द चर्च, पैसों की कारोबार में एक्सप्लॉयटेशन, और क्या, बलि चढ़ाने के विषय में एक्सप्लॉयटेशन। जो धनी थे वो लोग को पहले, जो गरीब थे उनको लास्ट, ऐसा था यीशु के जमाने में। धनी लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उनके लिए सब कुछ पहले 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 हो जाएगा। अब गरीब व्यक्ति है, कब आएगा उनका, जबकि इनके सिस्टम के हिसाब से जितना पैसा वो मांग रहे उतना नहीं देने से इसका बलि चढ़ाया जाएगा नहीं, वो अत्याचार हो रहा था। तब यीशु मसीह क्या किए, एक शुद्धिकरण की, कलीसिया के अंदर आकर ही वेंट इन टू द चर्च, ब्रोक द एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार को परमेश्वर क्या करते, तोड़ उखाड़ फेंक दिए। मेरे को आश्चर्य लगा, परमेश्वर वहां पे जितना भी पैसा था सब फेंक दिए, फेंके कि नहीं, जितने भी जानवर थे, जो कुछ भी थी
सब कुछ को परमेश्वर क्या कर दिए, क्लियर आउट कर दिए। करते ही तुरंत उन लोग को पता चल गया वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मगर वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। अगर अगर परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, इफ यू अगर परमेश्वर तुमसे कुछ बोल रहे हैं और तुम उसको स्वीकार करने के लिए यो मन को स्थिर नहीं करते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर स्पिरिचुअलिटी, तेरी आत्मिकता में कुछ ना कुछ खराबी है। क्योंकि वो चीज को तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तेरी आत्मिकता उस चीज को ब्लॉक कर रही है। योर स्पिरिचुअलिटी इज ब्लॉकिंग द पर्टिकुलर थिंग विच द ऑपोजिट पर्सन इज रिवीलिंग थ्रू द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरे सेवक जो वर्णना कर रहे हैं। जब उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हमारा आत्मिकता उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डैम बना के रख दिया है। इसलिए परमेश्वर बोले कि न्याय करने वाली जगह में ये लोग क्या कर रहे हैं, अन्याय। और नेक्स्ट में क्या कहते ना, धार्मिकता, ही लुक्ड फॉरवर्ड फॉर ए हार्वेस्ट ऑफ राइचसनेस। हेलो, धार्मिकता की हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, खेत लगाने के बाद कटनी करना, हाँ कटने का हार्वेस्ट ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का कटिंग, खेती किया गया, खेती का फल हो गया, अभी कटिंग का सीजन है। तो एक चीज हमें, व्हेन यू आर इनसाइड ए चर्च, तुम कलीसिया के अंदर जब हो, तेरे अंदर क्या उगना चाहिए, धार्मिकता की क्रॉप उगना चाहिए। और खेत कब काटने की समय आएगी, तब तुमको क्या करना चाहिए, धार्मिक सॉरी माफ करना न्याय का खेत कर धार्मिकता का कटना, क्रॉपिंग जस्टिस एंड हार्वेस्टिंग राइचसनेस। ये ट्रांसलेशन मुझे बहुत पसंद लगा, आई लव्ड इट, मगर हमारे बाइबल में ऐसा नहीं है। बस इतना लिखा है कि परमेश्वर न्याय के लिए ढूंढ रहे थे, वो लोग अन्याय कर रहे थे, परमेश्वर धार्मिकता के लिए ढूंढ रहे थे, मगर वो लोग क्या कर रहे थे, दुष्टता दिखाई दी, ऐसा लिखा है। मगर ये थोड़ा और क्लैरिटी है। हेलो, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले धार्मिकता की अन्वेषण करो, परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता। सो धार्मिकता का मतलब क्या है, राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्यता। तो आप मुझे बोलोगे पास्टर जी बाइबल कहता है यीशु मसीह के सामने सब घुटने नत होंगे, हमें घुटने में रुकना पड़ेगा पास्टर जी, हाँ सब नत होना है राइट, मगर हरदम तेरे को घुटने में रहने की जरूरत है नहीं। जो व्यक्ति घुटने में परमेश्वर को यीशु ही मेरा प्रभु के समान एक्सेप्ट किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनती कर रहे हैं। इसीलिए वो व्यक्ति और घुटने पर नहीं, अपने बल के ऊपर परमेश्वर उसको क्या करता है, हाथ देकर खड़ा करते हैं, वही है धार्मिकता का अर्थ। यू रिसीव द हैंड ऑफ गॉड Even being on your knees, He is letting you to be raised and to be stand. तुझे परमेश्वर हाथ देकर उस घुटने की परिस्थिति, इसलिए बाइबल कहता है जो कोई परमेश्वर को विश्वास करता है, हर प्राणी हर व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु के रीति से घुटनों पर एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसलिए हर दिन घुटनों पर एक्सेप्ट करके बोलने की जरूरत नहीं है, वो वन टाइम डील है। उसके बाद यीशु ही मेरा प्रभु, इसलिए बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति यीशु ही प्रभु नहीं बोल सकता। क्लियर? ऐसा है तो जब एक व्यक्ति अपने आप को समर्पण करके पवित्र आत्मा उसके ऊपर सहायकमंद बन के उसके मुंह से यीशु ही प्रभु उस प्रयोग को घुटने पर बैठकर बुलवाते समय तुरंत
यीशु मसीह चुप नहीं बैठेंगे, वो निकट, जैसे पतरस पानी में डूब रहा था, तुरंत उसकी डूबते हुए देखकर परमेश्वर की हाथ जैसा ही पहुंचा, उसके परमेश्वर के हाथ और पतरस के हाथ दोनों मिलते ही पानी चट्टान बन गया और उस चट्टान के ऊपर पतरस खड़ा हो सका। वो है धार्मिकता। खाली खाली खड़ा होना ही नहीं, पतरस ने क्या किया, वहां से यीशु थोड़ा दूर है ना हाथ देकर, तो पतरस को हाथ देकर यीशु मसीह अपने पास ले आए। ले आने के बाद पतरस और यीशु मसीह उसी पानी के ऊपर चल चल के नाव में गए। हो मेरे साथ? पतरस यहां से आया, आधा चला, डूब गया। डूब जाने के बाद परमेश्वर उसको हाथ दिए, उठाए, खड़ा किए, वो परमेश्वर के निकट आया क्योंकि वो डरा हुआ था। हेलो, ही वॉज कंप्लीटली इन ए फियरफुल मोड द मोमेंट ही रिसीव द हैंड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के हाथ पाते ही उसका भय निकल गया। ही लॉस्ट हिज फियर। इसलिए वो तुरंत, मेरे हिसाब से, मैं, इट्स माय आइडिया, वो मेरा आइडिया है, पतरस परमेश्वर को क्या किया होगा, एम्ब्रेस किया होगा, आई थिंक सो। इसलिए एक चीज मालूम है, इफ यू आर ऑन योर नीज, अगर तू अपने घुटने पर है, तू हरदम घुटने पर बैठने की जरूरत नहीं, वो घुटने की परिस्थिति यीशु ही प्रभु की स्वीकारता तेरे अंदर लगता है। व्हेन यू आर ऑन योर नीज, इट विल रिवील यू टू स्पीक आउट जीसस इज लॉर्ड, परमेश्वर मेरे प्रभु हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर मेरे प्रभु हैं बोलता है, उसके विरुद्ध खड़ा हुआ सब भय को He will remove every barriers of fear. हटाकर पतरस को क्या किया, उठाकर खड़ा किया और पतरस परमेश्वर को पकड़ लिया गया। That's the way, धार्मिकता, वो righteousness है। Catching on the hand of Jesus, standing on with his presence, माने परमेश्वर के हाथ पकड़कर परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा होने की योग्यता पाना। उतना ही नहीं, परमेश्वर को क्या करना, एम्ब्रेस करना, परमेश्वर के साथ रुकना और परमेश्वर के साथ चलना, वो है धार्मिकता। इसलिए बाइबल कहता है, सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड यू एंड द राइटियसनेस, परमेश्वर के राज्य के अन्वेषण करो तो धार्मिकता तुम्हारा। अगर परमेश्वर को प्रभु मानने के बाद भी तुम अभी भी घुटने पर हो तो सोच लो, अभी तक तेरे को परमेश्वर का हाथ नहीं मिला है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, खेत काटने की समय क्या काटना है, धार्मिकता, राइचियसनेस। एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, शैतान हारा हुआ है और शैतान हमें क्या करवाएगा जानते हो ना, इनिशियल स्टेज को लेने की कोशिश करेगा, घुटनों की स्टेज पर लेने की कोशिश करेगा। समझे नहीं? अगर हम खड़े हो गए तो समुंदर के ऊपर यीशु के साथ चल सकते हैं, अगर हम घुटने पर ही रहेंगे तो क्या होगा, पानी में डुबकी लगाते रहेंगे, भय हमारे ऊपर अधिकार करते रहेगा। बहुत सारे लोगों को आज भी इच्छा है घुटनों पर रुकने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग देखे ना, चर्च में आएंगे, अपने घुटने पर बैठेंगे, हाथ को इतना ऊंचा कर देंगे जितना कि वो इमारत, वो क्या है, परफेक्ट एक्टिंग है। इसलिए एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रभु मानता है, वो घुटनों की स्थिति से परमेश्वर उसको क्या करते है, खड़ा करते। इसलिए बाइबल कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान है, वो मुझे खड़े करने वाला परमेश्वर, माय गॉड इज माय रॉक एंड ही इज माय सालवेशन एंड आई एम फर्म ऑन दैट प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में मैं फर्म हूं। वो चट्टान में रुक कर फिर से घुटने में आऊंगा बोलने से इट्स
अपने अपने पांव को कुल्हाड़ी मारना वही है, इट्स नॉकिंग योर ओन नीस, हिटिंग ऑन योर नीस। अरे परमेश्वर तुझे खड़ा कर रहे हैं, खड़ा किए हैं, क्यों किए हैं? ताकि तेरे को एक सफर कहाँ, उसी समुंदर के ऊपर, जिस समुंदर ने तुझे डुबा दिया, जिस समुंदर की लहरें हैं तेरे अंदर बाहें भी इतला के आया, जिस समुंदर की गहरा हवाएं तुझे डरा दिया, तुझे मार देगा बोला, वही जगह पर तुझे धार्मिकता के साथ परमेश्वर को हाथ पकड़ते हुए, परमेश्वर के कंधे के ऊपर कंधे डालकर राइट वॉक एंड गो, चल के निकल जाओ। वही परमेश्वर कलीसिया से चाहते हैं, वॉक विथ क्राइस्ट। अरे चलो यीशु के साथ, जिस स्थान पर तू हार गया था, जिस स्थान पर तू गिर गया था, जिस स्थान पर तू डुबकी लगा दिया था, जिस स्थान पर तूने बहुत पानी पी लिया था, जिस स्थान पर तू भयभीत हो गया था, जिस स्थान पे तू मर जाएगा बोला गया था, जिस स्थान पर सब तेरे ऊपर ठट्टा कर रहे थे, जिस स्थान पर लोग तेरे ऊपर बहुत प्रकार के गंदे बुरे बातें कहते थे, उनके सामने स्टैंड राइटियस, कैच ऑन द हैंड्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की हाथ पकड़, और जो जो चीजें तेरी विरुद्ध थी उसकी ऑपोजिट तू कर। वही पतरस ने किया, वापस पतरस यीशु मसीह के साथ चल के जब गया तब पतरस ने क्या किया, हवा को देके बोले, विंड व्हाट कैन यू डू टू मी, हवा तू मुझे अभी क्या कर सकता है, पानी को देखे, हे पानी तू पहले मुझे डुबाने की कोशिश कर, अब क्यों नहीं डुबा पा रहा है, व्हाट हैपेंड टू यू राइट नाउ, अभी तुझे क्या हो गया। उतना ही नहीं, नाव पर बैठे चेले लोग क्या कर रहे थे, पतरस मर जाएगा रे, तू मर जाएगा, नेगेटिव इंपल्स दे रहे थे। अब पतरस चेलों को बोल रहे, देख तुम लोग नाव में बैठकर तैर रहे हो, मगर मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, बिकॉज आई रिसीव द राइचसनेस, मैं धार्मिकता परमेश्वर के साथ मैंने अनुभव किया, वो है राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। हेलो, इसलिए यूसुफ के बारे में क्या कहता है, यूसुफ एक सपना देखा, क्या सपना, खेत उग चुका है और खेत पूरा काट दिया गया और उसकी पीड़ा खड़ी हुई, बाकी सब क्या हुए। हाँ अब तू घुटनों वाला है या खड़े होने वाला है, हु यू आर। यूसुफ, यूसुफ खड़ा था, बाकी सब उसको क्या किए, आराधना किए, दंडवत किए। तो यूसुफ कौन है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह के सामने आकर दंडवत किए, कर लेने के बाद तू यीशु बन गया, इसीलिए ना तेरे को उद्धार मिला। एक व्यक्ति कब दंडवत करता है, वेन ही इज गिल्टी। गिल्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसने कुछ गलत किया, वैसा एक तत्व हृदय के अंदर आने के समय ही एक व्यक्ति क्या करता है, घुटने पर आता है। हेलो, इसीलिए याकूब की मौत होने के बाद बाकी भाई लोग एक डिसीजन में आए, क्या जानते हो ना, अरे अभी तो पप्पा मर गए, अभी भैया यूसुफ भैया ही, यूसुफ तो छोटा भाई है ना, ये लोग सब बड़े भाई हैं, बड़े भाई लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, अरे भाई अब ये छोटू, छोटू को हम लोग प्रभु प्रभु बुलाना पड़ेगा, अभी पप्पा का मौत भी हो गया है, हो सकता है ये हमें मार सकता है। अरे मगर यूसुफ कभी नहीं मार सकता, वो यीशु मसीह की एक निशानी है। आज भी लोग यीशु मसीह के पास आकर आज भी बोल रहे हैं, यीशु मसीह मुझे मार देगा, यीशु मसीह मेरे जान ले लेगा। दैट मीन्स तू अभी भी धार्मिकता में खड़ा नहीं हुआ है, यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्टैंड बिफोर गॉड। यहां पे बताया गया वो लोग किसकी फल प्राप्त करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए, धार्मिकता, द चर्च शुड हार्वेस्ट राइचसनेस। मगर धार्मिकता के विरुद्ध ये लोग क्या कर रहे हैं, हर्ड ओनली द मौंस ऑफ विक्टिम्स,
माने जहां धार्मिकता का फल काटना चाहिए वो ना होकर कलीसिया के अंदर क्या सुनाई दे रही है? रोने की आवाज, वेदना की आवाज। क्योंकि पतरस जब पानी में डुबकी लगाकर पी रहा था पानी, क्या कर रहा था वो? हे प्रभु, मैं मर रहा हूं, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। आज भी बहुत सारे लोग वही चीज कलीसिया के अंदर कर रहे हैं, प्रभु मुझे बचा, मुझे। अब कब खड़ा होगा? इसलिए मेरे बोलने का मतलब, कलीसिया एक खेत है, उस खेत में परमेश्वर अच्छा फल चाहते हैं। उस पे खेत में परमेश्वर क्या चाहते हैं? जस्टिस, न्याय चाहते हैं। उस खेत में परमेश्वर क्या चाहते हैं? फल के हिसाब से धार्मिकता चाहते हैं। अभी यिर्मयाह की किताब, उसकी दूसरी अध्याय, उसका 21वां वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 21, दूसरी अध्याय 21वां वचन। दाखले था और उत्तम बीज करके लगाया था, कि तू क्यों मेरे लिए जमीन दाखलता बन गई? लो देखो वहां पे, येट आई हैड प्लांटेड यू ओ हाउस ऑफ इसराइल एज ए चॉइस वाइन, ए कंप्लीटली फ्रूटफुल सीड, हाउ देन हैव यू टर्न्ड अगेंस्ट मी इनटू डीजेनरेटेड शूट ऑफ फॉरेन एंड वाइल्ड वाइन। और आखिरी में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अलाइन टू मी, नहीं तो वापस मेरे साथ मिल, नहीं तो मेरे साथ फिर से जुड़ित हो। हेलो, देखो परमेश्वर इसराइलियों के बारे में क्या बता रहे हैं। फिर एक बार अपने आप को क्या कर, मेरे साथ। परमेश्वर लगाए थे कैसे? 2 का 21वां वचन में बता रहे हैं, द चॉइस वाइन, मैंने जानता हूँ। चॉइस वाइन। हेलो, परमेश्वर का परफेक्ट चॉइस था, उस चीज को परमेश्वर लगाए। मगर क्या हुआ? क्या? जंगली दाखलता बन गई। आ हा। लगाया अच्छा वाला, मगर निकला जंगली। इसलिए परमेश्वर वापस उनको क्या बोल रहे हैं जानते हैं ना? मेरे पास वापस क्या करो, ये लिए मेरे पास वापस आके मिलो। अब होशाया की किताब 10 का 1, द बुक ऑफ होशाया चैप्टर 10 वर्स 1, होशाया की किताब 10वां अध्याय, उसका पहला वचन। लहलहाती हुई दाखलता है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े तो उसने अधिक वृद्धियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे वैसे वह सुंदर लाटे बनाते गए। कुछ समझ में आया? इसराइल इज ए लग्जुरेंट एंड प्रोफाइलिक वाइन, ही प्रोड्यूस फ्रूट फॉर हर सेल्फ, द मोर हिज फ्रूट द मोर आल्टर्स ही मेड टू ओ बेल, द रिचर हिज लैंड द बेटर ही मेड द आइडल्टेरियस पिलर। कुछ समझ में आया? उसमें लिखा, हेलो, उसका सारांश कुछ समझ में आया? एक और बार पढ़ो 10 का 1। इसराइल एक लहलहाती हुई दाखलता है हाँ, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े जो जो उसने अधिक वेदियां बनाई, वैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाटे बनाते गए। सुंदर। लाटे वो किसके लिए बनाए? वेदी और लाटे किसके लिए बनाए? अन्य देवताओं अन्य देवताओं के लिए। हो मेरे साथ,
हेलो, वो मेरे साथ जो कि परमेश्वर को देना चाहिए था, वो परमेश्वर को ना देकर किसको दिया जा रहा है? अन्य देवताओं को दिया जा रहा है। दे मेड देयर आल्टर्स, दे मेड, वो लोग अपने क्या किए, बलि वेदी का वेदियां किसके लिए बनाया? बैल के लिए बनाया, क्योंकि जब उनके जीवन में उन्नति आया, जब उनके जीवन में अधिक आशीष अनुभव करना शुरू किए, दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग गॉड। वो लोग परमेश्वर को विरुद्ध बनाना, नहीं तो परमेश्वर के विरुद्धाचारी होना शुरू कर दिए। हेलो, आज भी चर्च के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? आल्टर बना रहे हैं, बलि वेदी बना रहे, किसके लिए? दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। इसीलिए बहुत सारे चर्चेस में क्रॉस, क्रॉस नहीं है तो वो चर्च नहीं बनेगा। फिर चर्च में क्या रहेगा? लोग जहां बैठते रहेंगे वो निचली हिस्सा, और जहां पास्टर जी बैठा वो ऊंचा हिस्सा उनका। और क्या करें, जानते हैं कितने विश्वासी लोग वो हिस्सा में जाकर चढ़ेंगे नहीं। वो लोग सोचते हैं वो हिस्सा पवित्र हिस्सा है। क्या पागलपन है! जो पोडियम बोलते हैं, वो पोडियम के ऊपर कोई आके खड़ा नहीं होता, पता है? और लोगों का सिस्टम क्या रहता है ना, एक हस्बैंड वाइफ चर्च में नहीं सो सकते, सोने के लिए नहीं देंगे। उनका मेंटालिटी ऐसा हो गया कि चर्च ही परमेश्वर का मंदिर है। अरे चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं है, चर्च एक बिल्डिंग है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम क्या कर दिए, चर्च को एक मंदिर के रीति से हम लोग क्या कर दिए, बलिवेदी बना दिए। वी मेड चर्च, चर्च एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिया एक चर्च है। अरे चर्च तुम हो, मैं हूं। हेलो, ये थोड़ा हजम होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। जब हम मिलके आते हैं तब वो चर्च बनता है, जब हम निकल जाते हैं वो एक बंगला है, वो एक घर है, और वो चर्च के सामने आके दंडवत, क्या ये करना है, और उधर आकर माठा टेकना, उधर आकर दिया जलाना, और उधर पर एक छोटा होल रहेगा उसमें से पैसा फेंक देना। क्या कर रहे हो? वो पेगन सिस्टम है। पेगन मतलब अन्य जातियों का सिस्टम है वो। इसलिए मंदिर में नहीं तो कोई भी देवस्थान में वो लोग पहले शुद्धिकरण करने के बाद ही वहां पे क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। आया ना? और बंद करते वक्त शुद्धिकरण करके ही बंद करके जाएंगे। चर्च भी सेम मेंटेलिटी वो फॉलो कर रहा है ना? कितने मैंने देखा है, बहुत सारे चर्च, वो लोग चर्च को धोने के बाद ही सर्विस स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं। चर्च को एक तीर्थ स्थान के समान देखते हैं। तीर्थ स्थान समझते हो, तीर्थ तीर्थ जाने का एक स्थान। अरे ऐसा नहीं है। अरे तेरे जीवन में, अरे चर्च का शुरुआती, बाइबल में कलीसिया की शुरुआती जब हुआ वो घर के अंदर हुआ, हाँ ना? हाँ या ना? ये घर से क्यों ये बिल्डिंग में चला गया? नहीं तो घर में ना नीचे घर होता था, ऊपरी हिस्सा ढाबा रहता था, ढाबा
खाली रहता था जी, चीजें सुखाने के लिए, नहीं तो कपड़े सुखाने के लिए था। तो उसको वो लोग चर्च के रीति से मॉडिफाई कर दिए और लोग घर घरों में मिलते थे। जिसका घर छोटा था वो लोग अपने घर में नहीं मिलते थे, बड़ा हिस्साओं में वो लोग क्या करते थे, मिलते थे। वहां से ये एक सेपरेट प्लेस को चर्च क्यों चला गया? फॉर एग्जाम्पल सोचो, अभी तुम्हारे घर में या मेरे घर में हर दिन प्रार्थना चल रहा है। अब तुम्हारे घर में जो रूम में तुम बैठे हो वहां पे प्रार्थना चल रहा है, सोचो अगले हफ्ते से चर्च शुरू हो गया, सोचो नहीं तो एक 10-15 विश्वासी आ गए तो तब तुम्हारा प्रॉब्लम पता चल जाएगा। संडे के दिन कितना बजे उठोगे? 3 बजे उठोगे। उठने के बाद तुम्हारा नींद खराब, नींद खराब होने के बाद तुरंत तुम लोग क्या करोगे, रेंची वेंची लोगे, टाइटनर वाइटनर लेके सब जो खटिया वटिया है सबको क्लोज करोगे, सबको एक जगह में लेके रखोगे और स्पेस ऐसा बनाओगे कि 15 विश्वासियों को बैठने के लिए स्पेस बनाओगे। हाँ, प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर से क्या करोगे, खटिया वटिया लाओगे, लगाओगे। ये 1 साल तक करोगे तो तुम्हारे मन के अंदर क्या आएगा, चिंता। कितना दिन मैं सुबह सुबह 3 बजे मेरा नींद खराब करके ये काम करूं, कितना सुबह मैं उठकर ये सब क्यों कर, मेरा नींद क्यों खराब करो। इससे अच्छा है एक जगह मैंने क्या कर सकता हूं, रेंट में लेकर ले सकता हूं, तो वहां पे चर्च की आराधना अच्छी ऑटोमेटिक। हमारा माइंडसेट कहां चला गया, मैं क्यों अपने घर में इतना परिश्रम करूं, हर दिन हर संडे क्या करूंगा, अपना बेड को फोल्ड करूंगा, पैक पैक करूंगा, रखूंगा, क्यों मेरे पीठ को घुट पीठ को दर्द लाऊंगा, क्यों मैं पसीना लाऊंगा, क्यों मेरा नींद वेस्ट करूंगा, इस सब चीजों के लिए क्यों वेस्ट करूं। अरे 1,000 रुपए निकल लूंगा तो कहीं भी मुझे रेंट में घर भी मिल सकता है ना, क्यों मैं वहां पर। अब विश्वासी बढ़ना शुरू किए, विश्वासी को बढ़ना शुरू किया, विश्वासियों का कलिए विश्वासी लोग बोले पास्टर जी हम लोग एक जमीन लेते हैं, मैं देता हूँ 5 लाख। एक विश्वासी बोला मैं देता हूँ 3 लाख। चलो ये 5-8 लाख में ये लोग क्या कर दिए, एक अच्छा जमीन खरीदे, चर्च बना दिए और क्या कर दिए, उस चर्च को एक तीर्थ स्थान के समान डेडिकेट भी कर देते। वहां लोग सोएंगे नहीं, वहां लोग क्या नहीं करेंगे, खाना वाना भी नहीं खाएंगे, वहां लोग कुछ नहीं करेंगे, आएंगे पूरा पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, वहां किसी को बैठने नहीं दे। क्या क्या कर रहे हो यार, अब जब घर के अंदर आराधना थी 15 विश्वासी आते थे, ये 15 विश्वासी पर्सिस जॉन का एक गवाही है, आप लोग आपको कभी टाइम मिलेगा तो यूट्यूब में एक बार देख लेना, वो उनके गवाही बोल रहे हैं। उनके घर का कलीसिया का शुरुआत करते वक्त उनके घर को भी ऐसे ही, तो वो क्या बोलती थी ना, हमारे विश्वासी लोग कितने अच्छे अच्छे विश्वासी हैं कि वो अपने बच्चों को तो लेके आते थे, आज तो है नैपी पैड वैपी पैड सैपी पैड सब है। उन दिनों में नैपी पैड ना कापी पैड ना कुछ ना था, आता टट्टी आता टॉयलेट सब कुछ हमारे चटाई के ऊपर, उसी चटाई को मैं रात को धोऊंगी, रात को सुखा कर उसी रात हम उसी चटाई पर बू बू से सोकर। सोचो, और वो एक स्टेटमेंट बोली मुझे बहुत आश्चर्य लगा, उनके घर में जो क्या बोलते हैं गद्दी है, वो गद्दी लोगों के बच्चों के सूसू गिर गिर के वो मोटा गद्दी बन गया। मैं पूछ रहा हूं, हु इज देयर, आज कौन है वो डेडिकेटेड लेवल से अपना घर खोल सकता है प्रार्थना के लिए। द रिचर द ग्रेट मैग्निफाइड यू आर, तेरा एटीट्यूड बदल गया, यू changed योर एटीट्यूड। जब तेरे कलीसिया में 15 विश्वासी आते थे तब तेरा तत्व क्या था, जब तेरे कलीसिया में 100 विश्वासी आ रहे तब तेरा तत्व क्या, हाउ इज योर एटीट्यूड। लो, यही चीज इसराइलियों को भी हो गया, जब उनके जीवन में उन्नतियां आना शुरू किया ऑटोमेटिक ये लोग क्या करना शुरू किए, वेदियां बनाना शुरू किए। किसके लिए, किसके लिए, करते परमेश्वर के नाम पर जाता किसके लिए। हाँ, इसको बोलने से तुमको थोड़ा दर्द लगेगा। यीशु मसीह का जन्मदिन कब है,
हाँ ठीक है, 25 दिसंबर को किसका बर्थडे है? अब उस दिन ये लोग प्रार्थना आराधना, केक काटना, भोजी फीस्ट मनाना, गिफ्ट्स बांटना, केक शेयर करना, ड्रेसेस शेयर करना, सब कुछ कर रहे हैं। किसके नाम पे कर रहे हैं? ईशु के नाम में करके सूर्य देवता को क्या कर रहे हैं? तृप्त करा रहे हैं। टेकिंग द नेम ऑफ द रियल गॉड, मैग्निफाइंग द ग्लोरी ऑफ सम अदर गॉड। सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर झूठे परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। वाह! मेरे साथ में हो? है? फिर गुड फ्राइडे है? अरे गुड फ्राइडे के बारे में बाइबल क्या बोलती है? देयर इज नो इंफॉर्मेशन। मगर क्यों हम उसको एक्सेप्ट किए? गुड फ्राइडे के सीजन में क्या करते हैं? क्या क्या लेके पकड़ घूम कहते हैं? पत्ते वत्ते लेकर डांस वांस करते हैं। डिड एवर जीसस से दैट? कभी यीशु मसीह ने ऐसा कहा? पत्ते हैं, कपड़े हैं, मनुष्य है, गधा नहीं, यीशु नहीं। बीच में किसको किसको मैंने देखा मुझे याद नहीं। किसी एक अच्छे श्रेष्ठ प्रचारक, वो गधे को भी लाकर एक डुप्लीकेट यीशु को भी बिठा दिए। और रोड पर सवारी, अरे वो नहीं है। और क्या बोलते जानते ना, ये दिखाकर हम लोग आत्माओं को लाभ कर रहे। अरे वो आत्माओं को लाभ करने का सिस्टम है ही नहीं। जब उन्नति आ गया, हाँ, आजकल चर्च के अंदर का प्रोग्राम्स देखो। पहले चर्च में क्या थी? प्रार्थना से शुरू होता था, फिर क्या होता था? आराधना, वर्शिप टाइम, नहीं तो सॉन्ग सर्विस था, फिर क्या था? मैसेज था, फिर टेस्टिमनी था, फिर ऑफरिंग था, चर्च खत्म होता। आज प्रार्थना, सॉन्ग सर्विस, फिर प्रेज एंड वर्शिप, फिर कोरियोग्राफी, फिर डांस। फिर क्या क्या आता है मुझे भी मालूम नहीं। आखिरी में 10 मिनट्स रहेगा वर्ड ऑफ गॉड, बाकी फालतू काम है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है 5 बजे, एंड होता है 10 बजे। 5 बजे से लेकर 9:45 तक नाच गाना गाना बजाना सब कुछ, बाकी 10-15 मिनट्स ही मिलता है वाचन बोलने के लिए। वो क्या कर रहे हैं? यू आर एस्टैब्लिशिंग एन एल्टर विच इज मैग्निफाइंग सम अदर गॉड। तुम ऐसे चीज की स्थापना करके, ऐसे बलिवेदी की स्थापना करके परमेश्वर के नाम पर अन्य देवता को क्या कर रहे हो? मैग्निफाई कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो। मगर तेरे मन के अंदर तू तृप्त है कि वो यीशु के लिए मैंने किया। ओहो, मैं यीशु के लिए किया। यीशु बोलते तू मेरे लिए नहीं, मेरे नाम पर किया। हेलो, तेरे जीवन में उन्नतियां आते वक्त तू आशीष, आत्मिक चीज, आत्मिक आत्मिक अनुभवों में बढ़कर आते वक्त तेरा एटीट्यूड कैसा बदल रहा है? इसलिए लोग क्या क्या बना दिए? आल्टर बनाए, पिल्लर बनाए, किसके लिए? एक व्यक्ति नष्ट होता
नष्ट जो होता है वो एकदम फास्ट नहीं, धीरे 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 नष्ट होता है। फिर क्या, बर्थडे, डेथ डे, मेमोरियल डे, फिर क्या डे, बर्थडे, डेथ डे, मेमोरियल डे, चर्च बर्थडे, एनिवर्सरी, मैरिज डे, बोर्न अगेन डे नहीं, बैप्टिज्म डे नहीं, फालतू फालतू। मैंने देखा एक व्यक्ति मेमोरियल डे बना रहा है, उनके उनके मम्मी का देहांत हो गया, वो विश्वासी थे, उनका एक फोटो फ्रेम बनाकर एक टेबल के ऊपर रखकर फोटो उसके फूल लगाकर दो दिया भी लगाकर हालेलुया स्वर्गीय पिता तेरे नाम की महिमा, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा तू ही है, लगाया किसका है। और वहां पे जो पास्टर जी वचन घोषणा करने के लिए आए वो यीशु को छोड़कर इस व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है, ऊंचे ऊंचे बातें। मीटिंग खत्म होने के बाद जिसने वो ऑर्गेनाइज किया उसको मैंने फोन करके बोला, क्या कर रहे हो रे ये, अगर वैसा नहीं करेंगे उसका बेटा पैसा नहीं निकालेगा पास्टर जी, अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका बेटा। आजकल का सिस्टम थोड़ा सो देखो, चर्च को ऑफरिंग करेक्टली नहीं देंगे मगर ऑर्फनेज को करेक्ट पैसा भेजेंगे। इफ यू गिव ऑफरिंग वो एक पर्सनल डील है, वही तुम ऑर्फनेज को वही पैसा दोगे ना, इट विल बी एडेड इनटू योर टैक्स सिस्टम, तेरे टैक्स प्रोफाइल में ऑर्फनेज की चैरिटी की पैसा तेरे टैक्स को क्या कर सकता है। आज का क्रिश्चियनिटी क्या बन गया, टैक्स बचाने के लिए ऑर्फनेज को 1 करोड़ रुपया भी देंगे मगर ऑफरिंग 1 करोड़ कभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर 1 करोड़ ऑफरिंग देने से वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, टैक्स में कट नहीं होगा। वो मेरे साथ, मैंने देखा है, देर आर एजेंसीज, मैंने देखा है, क्योंकि मैंने एक 3-6 महीने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, मुझे रखे थे 6 महीने के लिए, अच्छा हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे देर आर एजेंसीज टू सेव यू फ्रॉम योर टैक्स, तेरे टैक्स एजेंसियां हैं, ऑफरिंग उतना नहीं देंगे, बट तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा मेंटेलिटी कहां चेंज हो गया, जब तेरे जीव, अरे जब तेरे हाथ में खाने के लिए खाना नहीं था, अरे विधवा के घर में परमेश्वर के सेवक आते ही विधवा क्या करने निकली, लकड़ियां बेचने के लिए निकली। अब मेरा सवाल बन रहा है, अब ये औरत उसके घर में 1 डे का मील है, 1 टाइम का मील है, अब ये अपने लिए इतना लकड़ी क्यों, 1 रोटी बनाने के लिए कितना लकड़ी चाहिए, जवाब नहीं दिए। 2 से 4 लकड़ी, एक लकड़ी काफी है ना, 2 से 4 लकड़ी, 1 रोटी के लिए 2 से 4 लकड़ी क्या करोगे यार, 2, 1 रोटी बनाने के लिए कितना, हमारा जैसा सिस्टम नहीं, उनका रोटी एक बड़ा है, 1 रोटी चलेगा, लकड़ी में नहीं चलेगा, 1 लकड़ी में नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार, एक इतना सा लकड़ी काफी है, एक इतना सा लकड़ी काफी है 1 रोटी बनाने के लिए, नहीं तो हम लोग ट्राई करेंगे, ये मीटिंग खत्म होने के बाद ट्राई करेंगे,
तुम बोलते हो 2 या 3 लकड़ी चाहे, रोटी रोटी खराब हो जाएगा है? एक इतना लकड़ी से रोटी नहीं होगा। तो तुम बहुत मोटा रोटी खाते हो, आई थिंक सो। हम जिस रोटी बनाते हैं उसके लिए एक लकड़ी काफी है। अब तुम्हारा वहां तुम रोटी के बदले नान खाते हो, मुझे लगता है नान तुम खाए हो इसीलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे तवा गर्म होने से काफी है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, ये औरत देखो घर में एक एक मील खाने की रोटी, एक मील खाने के लिए तेल, मगर काम करने जा रही है कितने दिन के लिए? इसीलिए एक सप्ताह 1 महीने परमेश्वर के दास से मिली, समझे? नहीं या ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है। व्हेन देयर इज ए लैक इन योर हाउस, जब तेरी जीवन में कमी है, तू घर में मत बैठ। उस कमी को ना देखकर, उस कमी को तू किस परिश्रम से निपटा सकता है उसके लिए तू दौड़, समझे? नहीं, वो मैदा खरीद नहीं सकती हालेलुया। क्योंकि पैसा नहीं, तेल खरीद नहीं सकती उसके पास पैसा नहीं, ओके, मगर एक चीज उसके पास है, शक्ति और बल। और पूरा जंगल उसके घर के सामने ही है, वो एरिया के सामने है, बहुत सारी लकड़ी है, वो काम वो कर सकती है। जब वो काम वो कर रही थी तब परमेश्वर के दास से मिली। हालेलुया। हमारा मिरेकल कहां पे है? हमारे पास ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर में तेल नहीं है, तेल थोड़ा है, रोटी थोड़ा है, मगर घर में बैठ के रो रहे होंगे। रोने का काम नहीं भाई, तू अपने परिश्रम से तू क्या कर सकता है? विथ योर प्रोविजन व्हाट कैन यू डू? इसलिए वो औरत क्या की, अरे घर में बैठेंगी बैठूंगी तो मुझे रोना आएगा, एक काम करता थोड़ा घूम के आता हूं। एक घूमने निकली 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 गई वहां, वहां से क्या की, लकड़ी वकड़ी सब बैठ के उठा के लेके तुरंत उसका मिरेकल पास्टर मिला, मिले ही सॉ शी सॉ हिज मिरेकल पास्टर कमिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, उसके चमत्कार ही करने वाला सेवक, नहीं तो भविष्यवाणी के क्या बोलते श्रोता उसके सामने आके खड़ा हो गया। मेरे लिए काम करो, थोड़ा पानी लेके आओ। पानी लेने के लिए जाते वक्त तुरंत पास्टर जी भी ने बोला, पानी के साथ मेरे लिए चमत्कारी भी लेके आओ, एक रोटी भी लेके आओ। अच्छा वो पास्टर जी एक ही रोटी मांगे, 5 रोटी। आजकल के पास्टर जी लोग होते तो 5 या 10 मांगते। ये रेवलेशन हमें वी शुड अंडरस्टैंड। अरे घर की परिस्थिति देखकर पूछना शुरू करो। इफ यू आर ए प्रीचर, अगर तुम एक प्रचारक हो, अगर तुम एक पासवान हो, अगर तुम एक भविष्य वक्ता हो, जिस घर में तुम जा रहे हो, सी पहले देखो व्हाट इज द क्राइटेरिया रनिंग बिहाइंड, उस घर की परिस्थिति कैसी है देखो, उस परिस्थिति को देखकर रिवील योर मिरेकल, तेरी अद्भुत को तू रिवील कर। इसलिए वो भविष्य वक्ता एक रोटी मांगे, क्योंकि भविष्य वक्ता को मालूम है वो घर की परिस्थिति उनकी स्थिति गति के रीति से देखने से एक ही देने के लिए लायक है। हम लोग खाना देखने से हमारी और आशीषों की और दुबली दुबली हो जाते हैं। डोंट डू दैट, वो ऐसा मत करो। हो सकता है पास्टर जी वो एक रोटी खाने से वो तृप्त होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, मगर वो परिस्थिति को देखकर वो एक रोटी पूछने के कारण पास्टर जी भूखे थे या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर उसके नेक्स्ट 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 डे दिनों तक उस घर में फुल खाने के लिए ही बिकेम ए पेन ऑफरिंग, एक दर्दनाक एक ऑफरिंग बन गया।
अरे दूसरों को, दूसरों के जीवन में आशीष आने के लिए, हम थोड़ा दर्द पाने के लिए कितने लोग आज हैं? हेलो, मेरे साथ में हो? दूसरों को आशीष करने के लिए, हम थोड़ा दर्द सहने के लिए कितने लोग तैयार बनेंगे? उन्नति आ गया तो तैयार नहीं रहेंगे। मैंने देखा है कितने के घर में धन दौलत थोड़ा है तो पास्टर जी के लिए खाना वाना बनाएंगे तो 15-20 वैरायटी होगा टेबल के ऊपर, और बोलेंगे डायलॉग, पास्टर जी माफ करना, बहुत कुछ मैंने नहीं बनाया, बहुत कम बनाया है। कितना कितना चीज टेबल के ऊपर है? चिकन फ्राई, चिकन करी, चिकन रोस्ट, मटन फ्राई, मटन डीप रोस्ट, मटन मलाई, मटन पनीर, वेजिटेबल फ्राई, बिरयानी, बिरयानी सिरयानी बिरयानी सब कुछ वहां पे है। और क्या डायलॉग, पास्टर जी माफ करना, मैं और ज्यादा, मैं बहुत कम बनाया है, खा लीजिए खा लीजिए। अब ये बैठा हुआ पास्टर जी सोचेगा मैं कहाँ से शुरू करके कहाँ एंड करूं। जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं इतना कम कम किया है, तो उसका अर्थ क्या है? वो इंसल्ट कर रही है कि अगर मुझे और थोड़ा समय होता ना, इससे अधिक मैं बनाकर तुमको क्या करता, खिलवाता। खिलवाने के बाद ये पास्टर जी सब कुछ थोड़ा 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 लेंगे। जब बचा कुचा रहेगा प्लेट, मुझे कम से कम वो प्लेट अगर हम लोग नाप के लेंगे, जितना क्वांटिटी वेस्ट हुआ है कितना रहेगा? खाना खाना बड़ी बात नहीं है, कितना तुम वेस्ट कर रहे हो। और खाना खाने के बाद साउंड भी कि मैं तृप्त हो गया, मगर अभी भी प्लेट में बाकी पड़ा है। यू आर इंसल्टिंग द प्रोविजन, तुम्हें दिया गया अद्भुत को तू इंसल्ट कर रहा है, बातों से, एटीट्यूड से, काम से आधा खाकर इंसल्ट कर रहा है। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के साथ 5,000 लोगों को खिलवाने के बाद बचा कुचा जो टुकड़ा था, टुकड़े ही थे ना, ना रोटी था, टुकड़े थे, मतलब देते वक्त जो टूट गया, वो टूटा हुआ चीज तो कोई लेगा नहीं, लेगा क्या? इफ ए ब्रेड इज ब्रोकन विल एनीबडी टेक? हाँ, लेने वाले बहुत कम लोग हैं, मगर लेंगे जो बहुत भूखा है। बचा कुचा चीज को ये लोग क्या किए, टोकरियों में भरे। द ब्रोकन पीसेस बीन वेर बीन टेकन इन ए बैस्केट। क्यों? अद्भुत करना बड़ी बात नहीं है, 5 रोटी 2 मछली चमत्कारी करके 5,000 को देना अद्भुत काम नहीं है, वो सब कर सकते हैं। मगर इवन आफ्टर ईटिंग द फूड, नॉट वेस्टिंग ए सिंगल ब्रोकन पीस, एक भी छोटी टुकड़े को ना फेंकने के समान मेरे हिसाब से वो रोटी क्या है, इट वॉज ए मिरेकल ब्रेड एंड मिरेकल फिश, अद्भुत रोटी अद्भुत मछली। हाँ यार, ओके, टुकड़ा हुआ होगा, ब्रोकन होगा, कुछ भी होगा, मगर इट इज ए मिरेकल थिंग। ऐसा है तो यू शुड नो, जो खाना तू खा रहा है इट्स ए मिरेकल ब्रेड यू आर ईटिंग, जो मछली तू खा रहा है इट्स ए मिरेकल फिश यू आर ईटिंग, जो कुछ भी तू खा रहा है इट्स ए मिरेकल ब्रेड, वो अद्भुत वाला चीज है। हाउ डेयर यू टू थ्रो दैट मिरेकल इन टू द ट्रैश, कबाड़ा में अद्भुत को कैसे तो फेंक सकता है? यू आर इंसल्टिंग, यू आर बिल्डिंग एन आल्टर टू सम अदर गॉड।
किसी दूसरे परमेश्वर को तू क्या कर रहा है, बलिवेदी बनाने के लिए तू फूड फेंक रहा है। मेरे साथ में हो? ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं विनती के साथ बोल रहा हूं, योर फूड यू विच यू ईट, जो फूड तू खा रहा है, इट्स अ मिरेकल मैन्ना। तुम विश्वास करो या ना करो, आई डोंट नो, बट व्हाट फूड आई ईट, इट्स अ मिरेकल मैन्ना फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना मेरे लिए है, एंड आई कैन नॉट इंसल्ट माई फूड। मैं अपने फूड को कभी इंसल्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट थ्रो माई फूड। फूड के लिए प्रार्थना करते वक्त ये प्रार्थना करो, परमेश्वर ऐसा मुझे तृप्त करो ताकि मेरे प्लेट में एक भी चीज वेस्ट ना जाए। इसलिए परमेश्वर जब मन्ना गिरवाए, देर वॉज एन अमाउंट, उतना ही ले सकते थे, उससे अधिक नहीं ले सकते थे। हाँ या ना, एक बार सोच के देखो, सबको वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना मुझे मालूम नहीं, 1 सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ एक टकेल सकेल, ओके एक सकेल मैंने लिया, मेरे मन में लगा और एक भी ले लूंगा, लेने से क्या होगा ना, निकल आएगा नहीं, एक सकेल अपने टोकरी में आ जाएगा, दूसरा सकेल के लिए हाथ बटवाएंगे ना, आएगा नहीं, बिकॉज इट इज ए मिरेकल मन्ना। आजकल के चर्च प्रोग्राम्स में, आजकल के मैरिजेस में, आजकल के एवरी इवेंट में कितना फूड विश्वासियों के पार्टियों में वेस्ट होता है। You are throwing your miracle manna onto the floor. एक और बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी में धनी व्यक्ति क्या ऐसा काम किया जो नरक में चला गया? अपना बचा कुछ वो नाले में फेंक दिया या फिर नहीं ले पाता है, जरूरतमंद है उसको नहीं दे पा रहा था, बाकी अपना बच्चा देता था ना, लाजर को देता था ना, अपने घर के सामने कुत्ते के साम कुत्ते के साथ एक ऑर्फनेज भी बना के रखा है, तो हाउ ग्रेट पर्सन ही इज। उन जमानों में कुष्ठ व्याधि से रुका हुआ एक व्यक्ति कभी भी लोगों के बीच में आके नहीं रुक सकता, उनको क्या करना चाहिए, आउट ऑफ सिटी। ये व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस धन दौलत के साथ इस लाजर नामक इस कुष्ठ रोगी को अपने घर के वरांडा के सामने एक शेड बनाकर सोने की जगह भी देकर सुलवाया। क्यों? बताने के लिए कि मैं लोगों को इतना दिखाने के लिए कि मैं इसको खरीदा है। आजकल ऑर्फनेज, गुड डीड्स, चैरिटी वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हो ना, वो सेम सिस्टम है, लाजरस का सेम सिस्टम। पर्सनली दो, किसी को पता चलेगा। इफ दाएं हाथ देने से बाएं हाथ को नहीं पता चले, ऐसे दे सकते हो? वो हम लोग कभी सीखेंगे नहीं। लो, मेरे साथ में हो? इसलिए मैं अपने अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ, और ज़्यादा बोलने से ज़्यादा पिटाई हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट वाइंड अप द क्लास। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, क्या गलती उसने किया? वो व्यवस्था जानने वाला एक व्यक्ति था, वो अब्राहम को जानने वाला एक व्यक्ति था, दान धर्मी था, सब कुछ था,
मगर वो क्या, परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के ऊपर आश्रय ना कर कर, अपने खुद के ऊपर आश्रय कर कर, अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर आश्रय कर कर, अपने पैसों पर आश्रय कर कर, इवन ही इंसल्टेड हिज फूड, अपने खाने को भी वो इंसल्ट किया, माने अपने टेबल से जो नीचे गिरता था वो किसको देता था? लाजर मैंने कुत्ते को देने वाला फूड लाजर को दे दिया। अब कुत्ता और लाजर शेयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? केयर करेंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, वो कुत्ते अच्छे कुत्ते थे इसीलिए लाजर को काटे नहीं, क्योंकि काटने के लिए शरीर में कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो लोग क्या करते, लाजर को खाना जब मिलता था लाजर को वो लोग चाटना शुरू किए, खाना लाजर खाया 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 खाया, कितने दिन के बाद मर गया। मर जाने के बाद यही कुत्ते लोग ही उसको क्या कर दिए, चाट चाट के फिनिश कर दिए। इसलिए मेरे बोलने के लिए एक ही फायदा है, एक ही बात है, इफ योर डिपेंडेंसी इज नॉट ऑन गॉड पीपल विल लिक यू, लोग तुझे चाटेंगे। मेरी इसीलिए क्या, एक एक फूड का नाम भी है ना, चाट चाट, भेलपूरी चाट, मतलब क्या है, लिक लिक लिक। इसलिए मेरे बोले को पता, तेरे जीवन में आशीषों की उन्नति होते वक्त, तेरी जीवन में समृद्धि आते वक्त तेरा एटीट्यूड कैसे बदल रहा है? आर यू ग्लोरिफाइंग गॉड विथ वॉट एवर यू हैव? तेरे हाथ में जो कुछ भी है उस चीजों से तू परमेश्वर की महिमा कर रहा है या किसी और को वो महिमा दे रहा है? आज सुबह यू शुड नो इट, तू परमेश्वर का खेत है, परमेश्वर तेरे अंदर अच्छे फल चाहते हैं, उस फल की पूर्णता तेरे अंदर से आना चाहिए। आइए आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे सन्निधि में परमेश्वर के वचन के साथ एक और बार मिल के आने के लिए एक अच्छे अवसर को परमेश्वर आपने खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। तेरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ अधिक अधिक परमेश्वर परमेश्वर बढ़ोतरी पाने के लिए हमें सहायता, पवित्र आत्मा हमें याद दीजिए हमारे जीवन की गलतियां, हमारे जीवन में कहां कहां सुधरावट की जरूरी है, वो सब कुछ को हमें याद कीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर प्रति शैतानिक बंधनों के ऊपर, प्रति शैतानिक चीजों के ऊपर महिमा ना जाने के हिस्से से, परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर महिमा आने के हिस्से से हमें परिवर्तन कीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।